हेलो दोस्तों, मैं सुदीप कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, ऐसे हमारी चैनल पे एडवांस एक्सेल की क्लासेस की वीडियोज अपलोड होती है, बट आज मैं कुछ मजेदार चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी हाँ, ये मेरी रियल लाइफ की जो घटना है ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार है और सुनने के बाद सच में आपको बहुत हंसी आएगी। तो घटना क्या है, चलिए हम अपनी स्क्रीन दिखाते हैं, फिर समझाते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आपके साथ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। जी हाँ, इसकी वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो रही है। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कुछ साल एक या डेढ़ साल पहले या दो साल पहले आई थी, दो साल पहले मोदी सरकार ने लॉन्च किया है। हालांकि वो तो इसको बैंक बनवाना था, लेकिन बैंक नहीं बनाया क्योंकि बैंक बनने से वो RBI के अंदर में आ जाती, तो इसलिए पेमेंट बैंक बना दिया गया। इससे अकाउंट खुलते बैंक की इतना रेगुलेटरी फंक्शन करती है। तो मैंने भी अपना अकाउंट इसमें खुलवाया और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ देखिए, मैं स्क्रीनशॉट ले रखा है, 1 सितंबर इसी महीने की 1 सितंबर को सुबह 6 बजे मैंने 15,000 रुपीज अपने इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब मजेदार चीज क्या है, इसमें मजेदार क्या है, तो मजेदार चीज हम आपको अभी बताते हैं। इसके लिए मुझे इसके दूसरा एक इमेज लेना पड़ेगा। अब दूसरी इमेज जो कि मैंने यहां डाउनलोड कर रखी है, इसको देखिए। जी हाँ, इसकी जो कंफर्मेशन मैसेज है मुझे मिली है आज की डेट में। जी हाँ, टुडे आज की डेट में मिली है। यहां पे देखिए 15,000 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, रेफरेंस नंबर भी दे दिया, अगला बैलेंस भी बता दिया। अब यहां पे एक चीज देखिए कि इस मैसेज के लिए हर 3 महीने से 10 रुपए प्लस GST चार्ज करती है हमारी ये इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, और मैसेज कब देती है, 6 दिन बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 दिन बाद जो है हमें मैसेज को देती है। अब क्या कहेंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसी सर्विसेज क्या लेनी चाहिए। और जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं वो बंद हो रही है, क्या वो उनके साथ ठीक हुआ, क्योंकि ये भी सरकारी फंक्शन है। BSNL, MTNL ऐसे बहुत सारी कंपनी बिक्री के करार पे है, बिक रही है, बिकने की बेचने की गवर्नमेंट सोच रही है, क्या उनके क्या ठीक हुआ, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह की चीजें देती थी, सर्विसेज देती थी। अब समझिए कि हम क्यों पोस्टल पेमेंट बैंक को यूज करें जबकि बाकी जो UPI वगैरह है वो हमने चुटकी में इंफॉर्मेशन देती है, इनका काम होता है। और आपके सामने सिंपल से एक मैसेज डिलीवर करने में 6 दिन का टाइम लग गया, आप सोच सकते हैं बाकी सर्विसेज के लिए कितना टाइम लगेगा। ये आपके ऊपर है, मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छी चीज थी हम आपके साथ डिस्कस करें। ऐसे आप मेरे चैनल पे एडवांस एक्सेल BBMR को पावर BI की वीडियोस को देख सकते हैं, मेरे साथ क्लासेस दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं एक्सेल और बाकी चीजों से लेते हैं। थैंक यू।